हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के लिए मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जिस चैप्टर का नाम है सांतत्य तथा अवकलनीयता। चैप्टर नंबर 5 आपके आपको पता है, आपकी बुक में है मैथमेटिक्स में, तो उस मैथमेटिक्स के चैप्टर 5 को हम करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस चैप्टर में आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। ये फॉर्मूले मैंने आपके लिए लिख कर रख दी है, तो आइए सबसे पहले आज हम इन फॉर्मूले पर नजर डाल लेते हैं। तो अगर आप लोगों ने पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से आपको सब कुछ कराया जाएगा, राइट? मैथमेटिक्स भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो आज हम चैप्टर 5 के फॉर्मूले को लेकर चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो फॉर्मूला है वो लिखा हुआ है डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन, और जो इसका अवकलन होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। जब भी आपके आपको पता हो कि अपॉन में डी अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हो। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, राइट? नंबर दो पर है डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, इसका जो अवकलन होता है वो ई की पावर एक्स होता है। नंबर तीन पर लॉग एक्स का जो अवकलन होता है वो वन अपॉन एक्स होता है। उसके बाद साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो कोस एक्स होता है। देन कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। उसके बाद छठे नंबर पर आपका टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है। उसके बाद जो कोट एक्स होता है उसको होता है माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स। उसके बाद आठवें नंबर पर जो आपका सेक एक्स है उसका होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। नाइन नंबर पर आपका है कोसेक एक्स का, और इसका होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, राइट? अब देखिए, जो आपका दसवां नंबर है, दसवें नंबर पर है साइन इनवर्स एक्स, और उसका जो अवकलन होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह कोस इनवर्स एक्स का होता है माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 12 पर होता है टेन इनवर्स एक्स का, इसका होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह कोट इनवर्स का होता है, कोट इनवर्स का होता है माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद सेक इनवर्स एक्स का होता है वो होता है वन अपॉन एक्स इंटू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसी तरह आपका कोसेक इनवर्स एक्स का होता है, ये होता है माइनस वन अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। और एक आप डायरेक्ट आप याद भी रख सकते हो कि अंडर रूट एक्स का जो अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स होता है। मैं आपको क्वेश्चन में भी करके बताऊंगी कैसे आता है। वैसे आप लोग, मुझे पता है कि आप लोगों को ये पहले से आता होगा जिन लोगों ने पढ़ रखा है, पर जिन्होंने नहीं पढ़ रखा मैं बता दूंगा कि रूट एक्स को डायरेक्ट हम 1/2 रूट एक्स कैसे लिख लेते हैं, राइट? और साथ ही साथ आपको ये दो चीजें याद रखनी है कि यदि आपको दो फंक्शन, दो फलन गुणन के रूप में दे रखे है, दो फलन की गुणा हो रही है और उनका हमें अवकलन करना है, तो आप फॉर्मूला लगाओगी पहला गुना दूसरे का अवकलन। हमने फर्स्ट लिख दिया यानी कि पहला फंक्शन जुका तो आएगा, गुना में दूसरे फंक्शन का अवकलन होगा, प्लस दूसरा फंक्शन, दूसरा जो फलन होगा वो जुका तो होगा और पहले का अवकलन होगा। यानी कि ऐसे बोल सकते हो, फर्स्ट एज इट इज दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा एज इट इज पहले का अवकलन, राइट? या पहला जुका तो दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा जुका तो पहले का अवकलन, राइट? और 18 नंबर पर देखिए, यदि आपको कोई भाग के रूप में दे रखा है, डिवाइड के रूप में दे रखा है, यानी कि अंश और हर के रूप में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका अवकलन करना हो, तो आप क्या करोगे, अपॉन में आप हर का स्क्वायर कर दोगे यानी कि सेकंड का स्क्वायर कर दोगे, और ऊपर क्या आएगा, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। हमने ऐसे लिख दिया कि सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन। एक बार फिर से बताता हूं, जो भाग वाला है उसमें आप नीचे हर का स्क्वायर लिखोगे और ऊपर क्या आएगा, हर गुना अंश का अवकलन माइनस अंश गुना हर का अवकलन। तो साथियों, ये फॉर्मूले थे, इनके आधार पर मैं आपको सारी एक्सरसाइज कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए गुड बाय।